ट्यूबरेज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है हाउ टू एक्सपोर्ट टू वेनेजुएला। वेनेजुएला को आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे उस बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। सो इस टॉपिक में मैं बताऊंगा वेनेजुएला का लोकेशन के बारे में बताऊंगा, वेनेजुएला क्या क्या प्रोडक्ट इम्पोर्ट करता है, इंडियन एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट वेनेजुएला को एक्सपोर्ट करते हैं, वेनेजुएला का इकोनॉमी के बारे में, वेनेजुएला का करेंसी, पॉपुलेशन, ऑल द डिटेल्स मैं आपको समझाऊंगा ताकि आप इजीली वेनेजुएला को एक्सपोर्ट कर पाओगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं द वीडियो हाउ टू एक्सपोर्ट टू वेनेजुएला। सो बात कर रहा हूँ वेनेजुएला के बारे में, हाउ टू एक्सपोर्ट टू वेनेजुएला, वेनेजुएला को कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे। सो वेनेजुएला एक कंट्री है जो साउथ अमेरिकन कंट्री है। वेनेजुएला वेनेजुएला का पहले काफ़ी एक रिच कंट्री था 2001 को, जब 2001 तक जब तो उनका ऑयल काफ़ी मात्रा से एक्सपोर्ट हुआ। वेनेजुएला का इकोनॉमी बहुत अच्छा था और वेनेजुएला से इंडिया भी अभी भी पेट्रोलियम यानी क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। वेनेजुएला के पास काफ़ी मात्रा में क्रूड ऑयल का रिजर्व है और वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करता रहता है। और वेनेजुएला का गोल्ड रिजर्व है, वर्ल्ड में अच्छा गोल्ड रिजर्व है वेनेजुएला का। तो वेनेजुएला का जो इकोनॉमी के बारे में थोड़ा आगे बता रहा हूँ, तो उससे पहले बता रहा हूँ वेनेजुएला के बारे में। वेनेजुएला एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। वेनेजुएला इस कंट्री का जो राजधानी यानी कैपिटल का नाम है काराकास। ज़्यादा से ज़्यादा जो इस कंट्री का लोग सिटी में रहते हैं वेनेजुएला का, और वेनेजुएला का जो पॉपुलेशन है 2.84 लाख का पॉपुलेशन है, 2.84 करोड़ का पॉपुलेशन है, और उनका लैंग्वेज है स्पेनिश। इस कंट्री का बने वेनेजुएला का जो करेंसी का नाम है वेनेजुएलन बोलिवार। पिछले कुछ सालों से, करीब 8-9 साल से वेनेजुएला का इकोनॉमी काफ़ी ख़राब हो चुका है, इसलिए वेनेजुएला का करेंसी काफ़ी डाउन चल रहा है। सो आज के तारीख में 1 इंडियन रुपीस अगर वेनेजुएलन बोलिवार के बोलिवार को आप कन्वर्ट करोगे, यानी बोलिवार वेनेजुएला का करेंसी में आप कन्वर्ट करोगे आज के तारीख में, सो 1 इंडियन रुपीस बोलिवार वेनेजुएला का करेंसी में रहेगा 56,000 वहाँ का करेंसी मिलेगा, यानी इतना पैसा गिर चुका है उनका इकोनॉमी, इतना गिर चुका है। 1 इंडियन रुपीस अगर आप कन्वर्ट करोगे वेनेजुएला का करेंसी मिलेगा 56,000 रुपीस, 56,000 वहाँ का करेंसी मिलेगा वेनेजुएला का। तो वेनेजुएला का जो 2015-16-17 में उनका इकोनॉमी काफ़ी हद से गिर चुका था, क्योंकि उनका जो गवर्नमेंट का पॉलिसी कुछ गलत था। उन्होंने गवर्नमेंट जो था वहाँ का, जो प्रेसिडेंट वहाँ का गवर्नमेंट था, तो उन्होंने यूनाइटेड यूएस डॉलर का विथहोल्ड किया था, यानी जो इंपोर्ट होता था इंपोर्टर्स को, जो एक्सपोर्टर्स थे उनको पेमेंट यूएस डॉलर में नहीं हो रहा था, नहीं दे पा रहे थे, इसीलिए कंट्री में वेनेजुएला में इंपोर्ट बिल्कुल बंद हो गया था, और पूरा सुपरमार्केट से लेकर पूरा कंट्री में फूड का शॉर्टेज दिखाई दिया था 2016 में। अभी भी वेनेजुएला में काफ़ी हद तक प्रॉब्लम चल रही है इंपोर्ट की वजह से, क्योंकि उनका गवर्नमेंट का पॉलिसी की वजह से जो एक्सपोर्टर है उनको पेमेंट यूएस डॉलर में नहीं मिल रहा था, इसीलिए वेनेजुएला में काफ़ी सारे जो कंट्रीज एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे 2016-17 में। उनका कंट्री में फूड शॉर्टेजेस दिखाई दिया था, उनका कंट्री में जो लोग थे सुपरमार्केट में, ग्रोसरी में लाइन में घंटों भर खड़े होते थे फूड के लिए, इवन टॉयलेट पेपर भी नहीं मिलता था, टॉयलेट पेपर फूड कुछ भी खाना नहीं मिलता था, लोग वहाँ पर गार्बेज से उठा के खा रहे थे, इतना उनका जो इकोनॉमी काफ़ी हद तक खराब हो चुका था। लेकिन धीरे धीरे अभी वेनेजुएला का इकोनॉमी धीरे धीरे अच्छा हो रहा है और लोग यानी कंपनीज एक्सपोर्ट करने लगे हैं वेनेजुएला। तो वेनेजुएला जो कंट्री है एक अच्छा पोटेंशियल कंट्री है, अगर आप एक्सपोर्ट करोगे वेनेजुएला को आप एवरीथिंग यू कैन एक्सपोर्ट एवरीथिंग। इंडिया के पास पोटेंशियल है, इंडिया के साथ वेनेजुएला का गवर्नमेंट के साथ अच्छा रिलेशन है। इंडिया जो है पहले इंडिया सऊदी अरबिया, यूएई, इराक, ईरान से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता था, और
उनका जो आजकल कुछ सालों से वेनेजुएला से इंडिया इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल, ठीक है। तो इंडिया और वेनेजुएला का गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, और आप अगर एक एक्सपोर्टर हो, वेनेजुएला एक पोटेंशियल मार्केट है आपके लिए, क्योंकि वेनेजुएला एक कंट्री है जहाँ पर आप एवरीथिंग यू कैन एक्सपोर्ट एवरीथिंग। कुछ साल पहले करीब 2007-08 से पहले वेनेजुएला एक अच्छा इकोनॉमी था, वहाँ पर सीमेंट स्टील एल्युमिनियम एवरीथिंग मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था, लेकिन उसका इकोनॉमी कितना गिर गया, आज के तारीख में वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ऑलमोस्ट जीरो है। तो ज़्यादा करके ज़्यादा जो वेनेजुएला इंपोर्ट करता रहता है फूड प्रोडक्ट्स से लेकर एवरीथिंग इंपोर्ट करता है, क्योंकि उनका जो इकोनॉमी काफ़ी हद तक गिर चुका है और इकोनॉमिक रिकवरी बहुत धीरे धीरे चल रहा है, और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट के बारे में मतलब काफ़ी हद तक गिर चुका है, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल जीरो है, मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल जीरो है, क्योंकि ओनली जो गवर्नमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है क्रूड ऑयल को वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करता है उसके ऊपर गवर्नमेंट को पैसा मिलता है और मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, एक्सपोर्ट का ऑलमोस्ट एक्सपोर्ट बंद है। इसीलिए जो कंट्री वेनेजुएला इम्पोर्ट के ऊपर पूरी कर रहा है, इसीलिए उनका जो इकोनॉमी काफ़ी हद तक गिर चुका है, फॉरेन करेंसी रिजर्व नहीं है, ठीक है। तो ये अच्छा मौका है इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए, अगर आप वेनेजुएला को टारगेट करोगे तो वेनेजुएला को आप अच्छे से अच्छे एक्सपोर्ट करके आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं, लेकिन आप डिपेंड करते हैं, आप ठीक से चेक कर लीजिएगा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने का टाइम पे आप एक्सपोर्ट करोगे तो पेमेंट का सिलसिला में आप पेमेंट कैसे मिलेगा आपको, वो आपका बैंक के साथ आप ठीक से डिस्कस करिएगा, क्योंकि इम्पोर्टर्स जो वेनेजुएला का इम्पोर्टर्स वो कैसे आपको पेमेंट करेगा, वो आप ठीक से आपका बैंक जो भी एक्सपोर्ट करोगे टू वेनेजुएला आप LC में पेमेंट करिएगा, और आपका जो लोकल बैंक है लोकल बैंक के साथ वेनेजुएला का बैंक का जो ट्रांजैक्शन रहेगा तो आपका बैंक के साथ आप ठीक से ट्रांजैक्शन करिएगा, क्योंकि वेनेजुएला जो है इकोनॉमी काफ़ी हद तक गिर चुका है और उनका जो फॉरेन करेंसी का रिजर्व बिल्कुल कम है, इसीलिए आपको पेमेंट मिलना चाहिए US डॉलर में मिलना चाहिए, इसीलिए आप एक्सपोर्ट करने से पहले आप ठीक से चेक करके एक्सपोर्ट करिएगा, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा वेनेजुएला का लोकेशन के बारे में, वेनेजुएला कहाँ पर लोकेटेड है मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। वेनेजुएला जो नॉर्थ ऑफ साउथ अमेरिका में लोकेटेड है, वेनेजुएला का वेस्टर्न पार्ट में है कोलंबिया, साउथ में है ब्राज़ील, ईस्टर्न पार्ट में है गुयाना, सुरीनाम और बहुत सारे कंट्रीज है, और नॉर्थ साइड में है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो और ग्रेनेडा, बहुत सारे कैरिबियन कंट्रीज है। तो आप देख सकते हैं मैं मैप में आपको दिखा रहा हूँ कहाँ पर है वेनेजुएला। सो आपको मैं दिखा दिया वेनेजुएला का लोकेशन के बारे में, दिखा दिया वेनेजुएला कहाँ पर लोकेटेड है। तो वेनेजुएला के बारे में आपको थोड़ा सा बता दिया, वेनेजुएला जो कंट्री है आज के तारीख में एवरीथिंग दे वांट टू इंपोर्ट, सब कुछ इंपोर्ट करना चाहते हैं, उनका देश में कुछ भी नहीं है आज के तारीख में, फूड शॉर्टेजेस है, खाने पीने का प्रॉब्लम है, फूड नहीं है, गारमेंट्स टेक्सटाइल स्टील सीमेंट कुछ भी अवेलेबल नहीं है कंट्री में, एवरीथिंग गवर्नमेंट इज इम्पोर्टिंग, सब कुछ वहाँ का इंपोर्ट चल रहा है, इंपोर्ट कर रहे हैं, और इसीलिए वेनेजुएला एक अच्छा मार्केट है इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए, लेकिन एक्सपोर्ट करने से पहले आप ठीक से चेक कर लीजिएगा आप जो पेमेंट है कैसे आपको पेमेंट मिल रहा है, और आप वेनेजुएला जो है स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री है, इंग्लिश नहीं समझते हैं, तो वेनेजुएला में अगर आप ट्रैवल करोगे फॉर मार्केटिंग थोड़ा ध्यान से करिएगा, वेनेजुएला में काफ़ी इकोनॉमी काफ़ी गिर चुका है, इसलिए वहाँ पर लाइक क्राइम ज़्यादा बढ़ चुका है, और आप वहाँ ट्रैवल करोगे तो आप ठीक से ध्यान दीजिएगा और ट्रैवल करिएगा, क्योंकि क्राइम बढ़ चुका है और वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का काफ़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट मतलब आप वहाँ एयरलाइंस तो पहुँच जाओगे कंट्री के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन होटल का स्टेइंग खाने पीने का सब कुछ आप चेक करके ट्रैवल करिएगा, ठीक है। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे आपको वेनेजुएला से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा वेनेजुएला के पास कितने सारे एयरपोर्ट्स है, कितने सारे सी पोर्ट्स है जो वेनेजुएला को हेल्प करता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। वेनेजुएला के पास करीब 7 बड़ा
इम्पोर्टेंट सी पोर्ट्स है क्योंकि एक स्ट्रेटेजिकली लोकेशन में लोकेटेड है वेनेजुएला, नॉर्दर्न नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका में लोकेटेड है और उनका जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है काफ़ी सारे कैरिबियन आइलैंड्स है और उनका खुद का बहुत सारे आइलैंड्स है, इसीलिए वेनेजुएला के पास बहुत सारे पोर्ट्स है और उसमें से 7-7 सी पोर्ट्स है जो इम्पोर्टेंट सी रोड्स है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा लिस्ट करके कितने सारे सी पोर्ट्स है, कितने सारे एयरपोर्ट्स है, आप आपका कंप्यूटर में या लैपटॉप में या आपका नोटबुक में लिस्ट कर लीजिए। तो मैंने आपको दिखा दिया, मैं आपको बता दिया कितने सारे सी पोर्ट्स है, कितने सारे एयरपोर्ट्स है वेनेजुएला के पास। वेनेजुएला आपको बता दिया 2007-08 से पहले एक वन ऑफ रिचेस्ट कंट्री था, सक्सेसफुल कंट्री था वर्ल्ड वाइड, बहुत सारे प्रोडक्ट मैंने वेनेजुएला एक्सपोर्ट करता था लाइक स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट वगैरह, काफ़ी सारे प्रोडक्ट एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करता था, वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री था वेनेजुएला। लेकिन गवर्नमेंट का पॉलिसी, गवर्नमेंट का जो बैड रिलेशन के वजह से, बैड उनका जो बैड पॉलिसी के वजह से वेनेजुएला का इकोनॉमी काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है आज की तारीख में। इसीलिए वेनेजुएला आज के तारीख में एवरीथिंग इंपोर्ट करेगा, कुछ भी आप अगर स्टील, सीमेंट, गारमेंट, टेक्सटाइल, फूड प्रोडक्ट, टेक्सटाइल, एवरीथिंग आप कुछ भी एक्सपोर्ट करना चाहोगे वेनेजुएला इंपोर्ट करेगा। ठीक है, तो मैं आगे आपको बताऊँगा वेनेजुएला से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। तो अभी मैं बताऊंगा आपको वेनेजुएला जो आपको बता दिया इम्पोर्टेंट सी रूट है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका में लोकेटेड है, उनका जो नॉर्थ साइड में है अमेरिका है, मेक्सिको है, तो इम्पोर्टेंट एरिया में लोकेटेड है वेनेजुएला। उनके पास काफ़ी सारे सी पोर्ट्स है और काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स है, बहुत सारे एयरपोर्ट्स है और बहुत सारे सी पोर्ट्स है, तो इसीलिए आप अगर सी रूट में यानी शिपिंग लाइन्स में एक्सपोर्ट करना चाहोगे तो आपको मैं बता दिया गूगल में सर्च करिए द लिस्ट ऑफ शिपिंग कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू वेनेजुएला, द लिस्ट ऑफ एयर कार्गो सी कार्गो कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू वेनेजुएला, जो कंपनीज आपको मिलेंगे शिपिंग कंपनीज सी कार्गो कंपनीज, आप उनके साथ डिस्कस करिए वेनेजुएला इंडिया टू वेनेजुएला एक्सपोर्ट करने के लिए क्या कॉस्ट आएगा, 20 फीट 40 फीट कंटेनर्स का क्या कॉस्ट आएगा, पूरी डिटेल्स में आप डिस्कस करके उनके साथ प्राइस के बारे में आप वेनेजुएला एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और एक अच्छा हमारा एक cogoport.com है, इंडिया का अच्छा वेबसाइट है, cogoport.com पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं इंडिया का कोई भी सी पोर्ट्स टू वेनेजुएला का, जितने सारे सी पोर्ट्स दिखा दिया, अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहोगे तो 20 फीट 40 फीट कंटेनर सर्च कर लीजिए तो आपको प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, इंडिया टू वेनेजुएला बाई सी रूट में। वैसे ही अगर एयर कार्गो में एक्सपोर्ट करना चाहोगे तो गूगल में सर्च करिए द लिस्ट ऑफ एयरलाइंस, द लिस्ट ऑफ एयर कार्गो कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू वेनेजुएला, तो आपको काफ़ी सारे एयर कार्गो कंपनीज दिखाई देंगे जो ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया टू वेनेजुएला। उनका जो राजधानी का नाम है कराकास, एक इम्पोर्टेंट रूट था, इम्पोर्टेंट सिटी था पहले, अभी भी है और बहुत सारे एयरलाइंस भी ऑपरेट कर रहे थे। और कितने सारे एयरलाइंस ऑपरेट कर रहे हैं फ्रॉम इंडिया टू कराकास, डायरेक्ट फ्लाइट तो नहीं है, वाया अमेरिका, वाया कैनेडा, वाया यूके, तो आपको दिखा रहा हूँ कितने सारे एयरलाइंस ऑपरेट कर रहे हैं आपको दिखा रहा हूँ। तो पूरी एयरलाइंस को आप कॉन्टैक्ट करिए, एयरलाइंस का कार्गो सेक्शन को कॉन्टैक्ट करिए और कार्गो कंपनीज को कॉन्टैक्ट करिए अगर आप एयर कार्गो के जरिए वेनेजुएला को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप प्राइस ले लीजिए, हमेशा एयरलाइंस को लिखिए कि आपका प्रोडक्ट का वैल्यू कितना है, प्रोडक्ट क्या है और उसका वेट कितना है, वजन कितना है, तो एयरलाइंस कार्गो सेक्शन आपको बताएंगे क्या प्राइस आ जाएगा। फिर इंडिया का कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आप वेनेजुएला को एक्सपोर्ट कर सकते हैं बाय एयर कार्गो। कराकास उनका मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कराकास में, तो इंडिया का कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराकास आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं या अदर एयरपोर्ट्स जो आपको बता दिया
दूसरे एयरपोर्ट्स भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डिपेंड करता है कौन सा एयरलाइंस कौन सा रूट को कौन सा एयरपोर्ट को ट्रैवल करता है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा आपको इंडिया क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है तो वेनेजुएला। काफ़ी सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है और होते आ रहा है और होने वाला है, और क्या क्या प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ है, आप क्या क्या प्रोडक्ट फ्यूचर में एक्सपोर्ट कर सकते हैं टू वेनेजुएला। तो पूरा प्रोडक्ट को लिस्ट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन में, आप आपका कंप्यूटर लैपटॉप में या आपका नोटबुक में लिस्ट कर लीजिए। मैंने आपको काफ़ी सारे लिस्ट दिखा दिया इंडियन एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं वेनेजुएला, और क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर सकते हैं वेनेजुएला, मैं आपको लिस्ट करके दिखा दिया। अब आपका कंप्यूटर लैपटॉप में लिस्ट कर लिया था, तो ये प्रोडक्ट को आप आपका सिटी में आपका स्टेट में या इंडिया में कोई भी स्टेट से लिस्ट सोर्स करके वेनेजुएला एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने आपको पहले बता चुका हूँ इंडिया में करीब 15-20 इम्पोर्टर वेबसाइट्स है, इम्पोर्टेंट B2B ट्रेड पोर्टल्स है जिसके जरिए आप प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन में, आप इन्हीं वेबसाइट को वन बाय वन सर्च करिए, फिर आप आपका सिटी आपका स्टेट लिखिए और प्रोडक्ट लिखिए, सर्च करिए, तो आपको इंडिया में जो जो मैन्युफैक्चरर है क्या क्या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और कौन सा स्टेट से हो रहा है आपको दिखाई देगा। फिर मैन्युफैक्चरर्स को ट्रेडर को आप कॉन्टैक्ट करके प्रोडक्ट सोर्स करके वेनेजुएला या एनी कंट्री इन द वर्ल्ड को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट इंडिया का इम्पोर्टेंट वेबसाइट है, अगर आपको मालूम नहीं है प्रोडक्ट कहाँ से सोर्स करना है कहाँ से मिलेगा, आप इन्हीं वेबसाइट को सर्च करके वन बाय वन सर्च करिए, आपको मैन्युफैक्चरर ट्रेडर्स एंड एक्सपोर्टर्स मिल जाएंगे, उनके साथ डिस्कस करके उनके साथ बात करके आपको प्राइस मिल जाएगा। आप वेनेजुएला या कोई भी कंट्री एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो इन्हीं वेबसाइट से आपको मिल जाएगी। और अगर आप वर्ल्ड में कोई भी कंट्री में लोकेटेड हो और आप हिंदी समझ में आ रहा है, आप इंडिया से इंपोर्ट करना चाहते हो, तो आप इन्हीं वेबसाइट से वन बाय वन सर्च करके आपको इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स मिल जाएंगे, आप इंडिया से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर पाओगे इन्हीं वेबसाइट के जरिए। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊँगा वेनेजुएला से एक्सपोर्ट का ऑर्डर कैसे मिलेगा। वेनेजुएला के पास काफ़ी सारे येलो पेजेस है, बिजनेस डायरेक्टरीज है, न्यूज़पेपर्स है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए, इतने सारे लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट B2B ट्रेड पोर्टल्स, येलो पेजेस, बिजनेस डायरेक्टरीज एंड इंग्लिश एंड स्पेनिश न्यूज़पेपर्स है, मैं आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ स्क्रीन में, आप आपका कंप्यूटर में लैपटॉप में या आपका नोटबुक में लिस्ट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में इन्हीं न्यूज़पेपर्स वेबसाइट्स आपको मदद करेगा, आपको हेल्प करेगा एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए। आइए एंड लिस्ट कर लीजिए। Thank you.
मैंने आपको काफी सारे लिस्ट दिखा दिया, वेनेजुएला का इंपोर्टेंट वेबसाइट्स दिखा दिया, आपका कंप्यूटर में लैपटॉप में लिस्ट कर लिया होगा, नोटबुक में लिस्ट कर लिया होगा, जब आपके पास समय है वन बाय वन वेबसाइट्स को B2B ट्रेड पोर्टल्स येलो पेजेस एंड बिजनेस डायरेक्टरी को खोल कर देखिए, वन बाय वन खोल कर देखिए, उसमें रजिस्टर कर लीजिए, आपका कंपनी को रजिस्टर कर लीजिए, रजिस्टर करके आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर लीजिए, कॉन्ट्रैक्टर्स पेज ऐड कर लीजिए और वेबसाइट को ऐड कर लीजिए, ताकि वेनेजुएला में जो सर्च इंजन में आते हैं इन्हीं वेबसाइट में सर्च करने के लिए आते हैं इंपोर्ट करने के लिए, फिर वो जब सर्च करेंगे आपका कंपनी उनको दिखाई देगा, फिर वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने सारे B2B ट्रेड पोर्टल्स येलो पेजेस एंड बिजनेस डायरेक्टरी जो वेनेजुएला आपको दिखा दिया उसमें आप पहले रजिस्टर कर लीजिए आपका कंपनी को वेबसाइट को रजिस्टर कर लीजिए और आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड प्रोडक्ट डिटेल्स को रजिस्टर कर लीजिए, फिर वहाँ का सर्च इंजिन में आपका कंपनी दिखाई देगा, ठीक है। और रजिस्टर करने के बाद आप सर्च करना चालू कर दीजिए, अगर वेनेजुएलन कंपनी क्या क्या आपका प्रोडक्ट के हिसाब से आप सर्च करिए, एग्जांपल वेनेजुएल कंपनी जो इंपोर्ट करता है गारमेंट्स, तो उस हिसाब से आप गारमेंट इंपोर्टर्स और वेनेजुएला को सर्च करिए, अगर आपको कोई कंपनी मिलता है ऑनलाइन में तो आप उनको ईमेल के जरिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप वेनेजुएला कंपनी को इन्हीं वेबसाइट्स के जरिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जितने सारे दिखा दिया न्यूज़पेपर्स ऑफ वेनेजुएला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इंग्लिश एंड स्पेनिश लैंग्वेज में, अगर आपके पास बजट है आप इन्हीं न्यूज़पेपर को कॉन्टैक्ट करिए, तो उनका होम पेज में आप स्पेनिश एंड इंग्लिश लैंग्वेज में आपका कंपनी का एक एडवर्टाइजमेंट डालिए, 6 महीने का 3 महीने का 1 साल का, कि आपको एडवर्टाइजमेंट रहेगा कि आप एक एक्सपोर्टर हो, आपका प्रोडक्ट का फोटोज रहेगा और आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहेगा, और वो उनका वेबसाइट में ब्लिंक होगा ताकि वहाँ का जो लोग है इन वेबसाइट को पढ़ने के लिए आते हैं, इन वेबसाइट को न्यूज़ एंड सर्विसेज पढ़ने के लिए आते हैं, जब उनको स्पेनिश लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज में आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा, वो आपको उनके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको वेबसाइट के ऊपर आएंगे, आपका कंपनी के बारे में मालूम पड़ेगा उनको और आपको प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में मालूम पड़ेगा, फिर वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंपोर्ट करने के लिए। ये भी एक तरीका है और बेस्ट तरीका है, आपका सिटी में या इंडिया में कोई भी सिटी में आप डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को कॉन्टैक्ट करिए, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी वेनेजुएला को टारगेट करके मार्केटिंग करेगा, वेनेजुएला का न्यूज़पेपर में आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा, उनका सर्च इंजन में आपका कंपनी दिखाई देगा, फिर वो वहाँ का कंपनी वहाँ का लोग आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग अच्छा रहेगा। और वेनेजुएला में इंडियन एम्बेसी को कॉन्टैक्ट करिए, इंडियन एम्बेसी के पास अगर वेनेजुएलन कंपनी लिस्ट आपको दे देंगे बाई ईमेल के जरिए कंपनी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और है आप एग्जीबिशन में जाइए वेनेजुएला कैराकस में, या वेनेजुएला का जो पड़ोसी देश है ब्राज़ील है और कोलंबिया में एक्सपो होता रहता है, तो वहाँ का एक्सपो में भाग लीजिए प्रोडक्ट सर्विसेज को लेके, तो वेनेजुएलन कंपनी को आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या कंपनीज आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बेस्ट तरीका है वर्ल्ड में, आप एक्सपो में भाग लीजिए और डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकता है, और अगर आपके पास बजट है वेनेजुएला आप ट्रैवल कर सकते हैं, कैराकस में रुकिए और वहाँ मार्केटिंग करिए, लेकिन आपके पास जब आप जाओगे आपके साथ एक गाइड रहना चाहिए और वेनेजुएलन स्पेनिश लैंग्वेज स्पीकर एक इंटरप्रेटर रहना चाहिए जो आपको मदद करेगा ट्रांसलेशन करने के लिए, वहाँ का लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आता है और काफ़ी क्राइम रेट बढ़ चुका है, इसलिए आप अकेले मत जाइए ट्रैवल करने के लिए, और पहले आप कॉन्टैक्ट करिए वेनेजुएला में कोई ट्रस्टवर्थी पर्सन को कॉन्टैक्ट करिए जो आपको मदद करेगा। वेनेजुएला में करीब 50 के ऊपर इंडियन फैमिलीज रहते हैं, बिजनेस करते रहते हैं काफ़ी सालों से, करीब 300 के करीब इंडियंस है, तो कभी भी वेनेजुएला आप पहुँचोगे तो इंडियन एम्बेसी में जाइए, इंडियन एम्बेसी को कॉन्टैक्ट करिए, इंडियन रेस्टोरेंट्स इंडियन ग्रोसरीज इंडियन सुपर मार्केट में कॉन्टैक्ट करिए और इंडियन कम्युनिटी को कॉन्टैक्ट करिए, तो आपको वहाँ का लोग मदद करेंगे, इंडियन जो है मदद करेंगे वहाँ का मार्केटिंग करने के लिए। जब वहाँ पहुँचोगे एक स्पेनिश स्पीकिंग ट्रांसलेटर ले लीजिए आपके साथ, फिर आप कंपनी टू कंपनी सुपर मार्केट्स एंड हाइपर मार्केट्स वगैरह आप ट्रैवल करिए, वॉकिंग जाइए और वहाँ का लोगों को वहाँ का कंपनी के साथ मीटिंग करिए और आपको वहाँ से इजीली एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल सकता है। तो मैं डिटेल्स आपको बता दिया कि वेनेजुएला से कैसे आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा, क्या क्या प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर पाओगे और क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, पूरा डिटेल्स आपको बता दिया। तो अगर आपको वेनेजुएला एक्सपोर्ट करना है तो बहुत सारे आपको तरीका बता दिया, प्रोसीजर बता दिया, आप स्टार्ट कर सकते हैं, या वेनेजुएला में आप बेस्ट तरीका है आप वहाँ डिजिटल मार्केटिंग में स्टार्ट कर लीजिए, कोई भी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी कॉन्टैक्ट करिए,
डिजिटल मार्केटिंग कंपनी आपको मदद करेगा। और फ्यूचर में वेनेजुएला का सिचुएशन थोड़ा अच्छा होगा तो वेनेजुएला में आप एक अच्छा आपका खुद का कंपनी स्टार्ट कर लीजिए, खुद का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी स्टार्ट कर लीजिए, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट कर लीजिए, आपको अच्छा बिजनेस मिलेगा। क्योंकि वेनेजुएला में आज के तारीख में कुछ भी नहीं है, सब कुछ इम्पोर्ट हो रहा है। अगर आप वहाँ पर इम्पोर्ट का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कंपनी स्टार्ट करते हैं, आपके पास पैसा है, सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पैसा है, सब कुछ है, तो वेनेजुएला एक अच्छा कंट्री है जो आपको एक अच्छा पैसा देगा, अच्छा फायदेमंद होगा आपके लिए। तो मैं डिटेल्स आपको बता दिया वेनेजुएला के बारे में। मैं आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और कुछ जानना है वेनेजुएला के बारे में, वेनेजुएला में अगर कंपनी फ्यूचर में कंपनी फॉर्मेशन करना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आने वाले दिनों में हम और एक वीडियो बनाएंगे, हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस इन वेनेजुएला। ठीक है, हमारा वीडियोज देखते रहिए। और कुछ जानकारी चाहिए आप हमें ईमेल करिए। काफ़ी सारे व्यूअर्स हमें कमेंट में लिखते हैं लेकिन समय के अभाव के कारण हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं ऑन कमेंट्स। तो इसीलिए बेस्ट तरीका है आप मुझे ईमेल करिए, ईमेल के जरिए आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए। जब मेरे पास समय हो जाएगा मैं आपको ईमेल के द्वारा आपको कॉन्टैक्ट करूँगा, आपको रिप्लाई करूँगा। तो आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए ला सकूँ। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।